झारखंड राज्य को रघुवर सरकार लंबे वक्त से प्रतीक्षित एक बड़ी सौगात विधानसभा के नए भवन के रूप में देने जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को करेंगे। धुरवा के कुटे गांव में निर्मित झारखंड विधानसभा के भवन का वास्तुशिल्प अपने आप में बेजोड़ है। इतने विशाल काय एवं महत्वपूर्ण भवन का निर्माण उतना आसान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री के दृढ़ निश्चय के कारण यह संभव हो सका है। माननीय प्रधानमंत्री जी 12 सितंबर को रांची के धरती में फिर आ रहे हैं। इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत जो 14 साल तक राज थी, उसकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि राज्य की सबसे बड़ी पंचायत बने। 2015 में हमने शुरुआत की, आज कंप्लीट हो गई, उसकी उद्घाटन करने आ रहे हैं। उद्घाटन के ठीक दूसरे दिन यानी 13 सितंबर को नए विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। नए विधानसभा का में एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन 13 तारीख को किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल महोदया का संबोधन है और अन्य कार्य। इसके साथ ही रघुवर सरकार एक और बड़ी लकीर खींचने जा रही है, जिसके तहत धुरवा में 1238 करोड़ की लागत से नए सचिवालय भवन का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न होना है। नया सचिवालय भवन, मंत्रालय सचिवालय जो कह दीजिए, पर 1238.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। शिलान्यास तो पीएम महोदय के प्रोग्राम में होगा। विगत 4.5 वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने जिस तरह फुल एक्शन में काम किया है, उसके बेहतरीन नतीजे अब धरातल पर उतरने लगे हैं।